नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि राजस्थान में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसका क्वेश्चन राजस्थान के कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो निश्चित तौर पर इसका एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में देखने को ही मिलता है। और फिलहाल अभी एक क्वेश्चन अभी आया था, जो भी अभी RPSC सेकेंड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया था, और वो पूछा गया था उसमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का क्वेश्चन था कि बीकानेर में, या कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वो उसमें अनुप्रस्थ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि किस प्रकार के बालू का स्तूप किस प्रकार कहाँ पाए जाते हैं, उसकी हाइट कितनी है इत्यादि, और उसका कौन सा बालू का स्तूप जो समकोण पे बनता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और कुछ राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम है उसकी अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप बने रहिए। देखिए सबसे पहले हमारे बालू का स्तूप हम देखेंगे राजस्थान में, जो भी आपको इसमें याद रखना होगा कि किस प्रकार की लोकेशन, उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से ज़िले इसमें काउंट किए जा रहे हैं, और कौन कौन से ज़िले का कौन सा पार्ट्स यानी कि दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिमी कौन सा भाग इसके अंतर्गत काउंट किया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना हो। तो आप सबसे पहले देखिए रेखीय पवनावर्ती बालू का स्तूप हम सबसे पहले यही देखते हैं। ये देखिए उसमें जो भी वायु की दिशा के अनुरूप होते हैं ये बालू का स्तूप बनते हैं, और इसका जो रेखीय या पवनावर्ती बालू का स्तूप इसके इस नाम से भी पूछ सकते हैं, और आपको इस नाम से भी पूछ सकते हैं, और वो जो ये चलते हैं वायु की दिशा के अनुरूप चलते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कौन सा बालू का स्तूप जो वायु की दिशा के अनुरूप चलते हैं, तो आपको इसमें चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, रेखीय, बरखान, अनुप्रस्थ। तो आपको याद रखना होगा जो होते हैं वायु की दिशा के अनुरूप चलते हैं वो रेखीय या पवनावर्ती बालू का स्तूप होते हैं। और ये इसमें जब पाए कहाँ जाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा, कौन से क्षेत्र में आपको देखने के मिलेंगे रेखीय या पवनावर्ती, तो आपको ये ध्यान रखना होगा जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और रामगढ़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और जोधपुर और बाड़मेर, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसलमेर का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, रामगढ़ का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और जोधपुर और बाड़मेर, ये क्षेत्र रहने वाले हैं रेखीय या पवनावर्ती बालू का स्तूप। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कभी PDF जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका आप ज्वाइन नहीं किया तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके संबंधित हम क्वेश्चन भी वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। और दूसरा अपना जो है जो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, तो इसकी इस टाइप का जो ये बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, जो इसकी ऊंचाई है, जो उसकी ऊंचाई है 10 से 20 मीटर इसकी जो ऊंचाई है वो रहती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 100 से 200 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो आपको ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा बालू का स्तूप जिसकी चौड़ाई 100 से 200 मीटर के मध्य है, तो आपको ये ध्यान रखना बरखान या अर्धचंद्राकार, इसको दो नाम है। ऐसा भी पूछ सकता है कभी आपको ऑप्शन में बरखान ना दे के या आपको अर्धचंद्राकार भी दे सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना इसका नाम अर्धचंद्राकार भी है। और जो ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो आपको ऐसा पूछेगा कि चूरू पालेरी क्षेत्र है उसमें कौन सा बालू का स्तूप देखने को मिलता है, तो उसमें आपको अनुप्रस्थ, पवनावर्ती, बरखान ऐसे दे देगा, तो आपको ध्यान रखना बरखान, जो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना चूरू पालेरी में बरखान। जैसलमेर वो आपको ध्यान रखना पवनावर्ती जो था आपने पढ़ा था वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पड़ा था पवनावर जैसलमेर का क्षेत्र, तो इसमें ओनली जैसलमेर, ये भी आपको ध्यान रखना होगा बरखान के अंतर्गत। और इसमें जो आएगा सीकर आएगा बरखान के अंतर्गत, और सूरतगढ़ ये आपको ध्यान रखना होगा, सूरतगढ़ और भी आपने को देखने को मिलेगा तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा, सूरतगढ़ बरखान के अंतर्गत काउंट किया जाता है। और लोनकरण सर ये भी बरखान के अंतर्गत काउंट किया जाता है। करणी माता जो क्षेत्र है वो भी बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्षेत्र के अंतर्गत है। बाड़मेर ये आपको ध्यान रखना होगा, आपने बाड़मेर ऊपर भी पढ़ा था पवनावर्ती में भी, और इसमें बरखान में भी आप बाड़मेर पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और ओशिया ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा पूछ लेगा ओशिया में किस टाइप के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना बरखान या अर्धचंद्राकार। जो अपना और ये भी ध्यान रखना होगा जोधपुर, ये दो को देखो
बरखान जो अर्धचंद्रिका टाइप के जो भालुकों स्तूप वो जोधपुर में भी देखने को, और कोनावर्ती भालुकों स्तूप भी जोधपुर में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना, दो दो कौन से जिले हैं जो दो दो में भी काउंट होते हैं, कौन सा स्थान है जो दो दो बरखान दो 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 भालुकों स्तूप को कवर करता है, ये ध्यान रखना होगा। और जो अपना नेक्स्ट टाइप का है वो है अनुप्रस्थ भालुकों स्तूप, और ये दीर्घकाल एक की साइड में जो हवा चलती है वहाँ पर ये अनुप्रस्थ भालुकों स्तूप बनते हैं। और जो इसका जो बनते हैं वो समकोण पर बनते हैं, ये आपको ध्यान रखने का, ऐसे अनुप्रस्थ। और ये आपको जो क्षेत्र में मिलेंगे ना वो आपको ध्यान, बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, और चूरू और झुंझुनू, ये आपको ध्यान रखना कौन कौन सी जगह। देखिए आप, सूरतगढ़ है, आपने पढ़ा था बरखान में भी सूरतगढ़ काउंट हुआ था, और इसमें अनुप्रस्थ में भी सूरतगढ़ काउंट हो रहा, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार के ये आपको ऐसे पूछ सकता है, तो आपको इस डिटेल से आपको इनमें ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट अपना जो चौथा टाइप का भालुकों स्तूप वो है पैराबोलिक भालुकों स्तूप, ये संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में, ये इस टाइप के भालुकों स्तूप जो है वो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और तारा भालुकों स्तूप है वो सोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर में, जो सोहनगढ़ क्षेत्र है और पोखरण क्षेत्र है वो वहाँ पर आपको तारा भालुकों स्तूप देखने को मिलेगा। ये दो क्षेत्र हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना। और गंगानगर के सूरतगढ़ में भी तारा भालुकों स्तूप देखने को मिलता है, और ये श्रृंखलाबद्ध रूप में होते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि श्रृंखलाबद्ध रूप में कौन से भालुकों स्तूप देखने को मिलेंगे, तो तारा भालुकों स्तूप जो वो सीरीज सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि श्रृंखलाबद्ध रूप में। और जो इसकी हाइट है वो 10 से 25 मीटर के मध्य इनकी हाइट रहती है तारा भालुकों स्तूप की, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद में जो अवरोध टाइप के जो भालुकों स्तूप हैं वो भी आपने को देखने को मिलता है, वो कहाँ मिलते हैं भाई, तो ये आपको ध्यान रखना, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़ और बिचुन पहाड़, जोगनेर, सीकर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर आपने को अवरोधी भालुकों स्तूप देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये अवरोध इसमें जो कारण होते हैं वो झाड़ी, पेड़, भवन या अन्य निर्मित के अंदर से इन अवरोध हो जाता है, तो वो इस टाइप के यहाँ पर भालुकों स्तूप देखने को मिल जाते हैं। वो जो अपना लास्ट है वो है सब्र कापीज भालुकों स्तूप, तो इसमें जो छोटी छोटी झाड़ियों या घास 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 के झुंड बन जाते हैं आसपास के, ये इस टाइप के जो है सब्र कापीज टाइप के भालुकों स्तूप देखने को मिलते हैं। और जो ये पश्चिम राजस्थान में सब जगह इसके सर्वत्र मिल जाएंगे ये सब्र कापीज भालुकों स्तूप। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो इसका जो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। और अभी अभी तक आपने इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया स्प्रिंग अप का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सीरीज चल रही हैं, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या फिर जो भी राजस्थान के अभी एग्ज़ाम होते हैं उनके वीडियो के क्वेश्चन इत्यादि होते हैं वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करते रहते हैं, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।